नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के हल बताएंगे, तो बने रहिएगा स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो साथियों, आज के इस प्रश्न में कहा गया है बिंदु ए यानी 2-2.2 और 2.8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट कहा गया है यहाँ पर एक रेखाखंड ए बी है जिसके निर्देशांक -2.2 दिया गया है इस प्रकार से। उसके बाद बी बिंदु का निर्देशांक 2.8 दिया गया है और इन दोनों बिंदुओं को 4 बराबर भागों में बांटा गया है स्टूडेंट। तो कहा गया है कि अन्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रकार से 4 भागों में मैंने बांट दिया, बराबर भागों में, देखिए पी क्यू आर इस प्रकार से मान लिया है। अब स्टूडेंट देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्यू का ज्ञात करेंगे, आर का ज्ञात करेंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन का सूत्र लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको इसको मानना पड़ेगा x1 y1 और इसको मानना पड़ेगा x2 y2 इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, इसमें जो है इस मान को ले जा कर के रख देना है। अब स्टूडेंट देखिए ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर जब अनुपात निकालेंगे आप सभी लोग, तो अगर पी का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर अनुपात जो होगा 1:3 हो जाएगा इस जगह पर। अच्छा स्टूडेंट क्यों, क्योंकि देखिए अगर पी का निकालते हैं तो एक खंड इधर छूटता है, 3 खंड इधर बाकी रह जाता है, तो 3 बन गया। अब अगर आप पी पे आते हैं तो इसका अनुपात जो है 2:2 हो जाता है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि 2 खंड इधर रह जाता है, 2 खंड इधर रह जाता है इस प्रकार से भागों, बराबर भागों में बांटने पर। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम आते हैं आर आर बिंदु पर, तो यहाँ पर हमारा निर्देशांक अनुपात जो है 3:1 हो जाता है इस प्रकार से स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार अनुपात को, अनुपात पता हो गया है, अब आपको निर्देशांक निकालना है, तो फार्मूला लगाते चले जाइए। तो पहले आपको पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। तो अब आप जब यहाँ पर निर्देशांक निकालेंगे तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया स्टूडेंट, बट लेकिन जब यहाँ पर अनुपात जो है पी का निकालेंगे तो अनुपात 1:3 है, तो ये आपका m हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा। अब इसमें मान को ला करके रखिए, तो x, y = स्टूडेंट आपका m का मान देखिए कितना है, m का मान 1 है, तो 1 × x2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे, प्लस n का मान स्टूडेंट 3 है, तो 3 × x1 का मान देख लीजिए, x1 का मान -2 है, तो -2 रखेंगे, बटे में m + n, तो m + n का मान 1:3 है, तो 1+3 हो जाएगा। उसके बाद कामा m का मान स्टूडेंट 1 है, तो 1 × y2 का मान कितना है, वहाँ पर 8 देख लीजिए, प्लस n का मान स्टूडेंट 3 है, तो 3 × y1 का मान स्टूडेंट देख लीजिए कितना है, तो y1 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, बटे में स्टूडेंट m + n, तो यानी 1+3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने मान को ला करके रख दिया है। अब हम लोग इसको करेंगे कैलकुलेट स्टूडेंट, तो अब हम इसको कैलकुलेट करके करते जाते हैं, तो x, y = हमको मिलेगा 2 × 2 + 3 × 6, तो यहाँ पर ±6 हो जाएगा, बटे में 3 × 4 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 8 × 8 + 3 × 6, बटे में 3 × 4 हो जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x, y = -6 में से 2 निकाल देंगे स्टूडेंट, तो -4 बटे में 4 कामा, उसके बाद 8 और 6 जोड़ लेंगे, तो 8 × 6 = 14 हो जाएगा स्टूडेंट, 14/4 है, तो 4 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x, y = इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर 2 × 4 7 × 14, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट -1, 7/2, तो ये हमारा निर्देशांक हो जाए। अब उसके बाद हम लोग स्टूडेंट निकालेंगे क्यू बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु क्यू का निर्देशांक, यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु क्यू का निर्देशांक, बिंदु क्यू का निर्देशांक स्टूडेंट, तो बिंदु क्यू का निर्देशांक देखिए निकालेंगे अब, तो यहाँ पर अनुपात 2:2 है, तो यहाँ पर इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे n,
तो स्टूडेंट या अब आप जब यहाँ पर क्यू का निकाल रहे हैं तो अनुपात का मान यहाँ से रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब हम लोग मान रखते हैं, फार्मूला आपका वही रहेगा यक्स कामा वाई बराबर स्टूडेंट आपका जो फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट अब हम मान ला करके रखते हैं, तो यक्स कामा वाई इज इक्वल्स यम का मान स्टूडेंट देखिए यम का मान दो है और एन का मान भी दो है, तो यहाँ से हम लोग रखते हैं तो दो गुड़े, उसके बाद एक्स टू का मान देखिए एक्स टू का मान दो है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स टू का मान दो है, तो यहाँ पर दो प्लस एन का मान दो है गुड़े स्टूडेंट, एक्स वन का मान स्टूडेंट कितना है माइनस दो है, तो माइनस दो बटे में यम प्लस एन दो प्लस दो कामा यम का मान दो है गुड़े स्टूडेंट वाई, वाई टू का मान स्टूडेंट आठ है, आठ प्लस एन का मान स्टूडेंट दो है, तो दो गुड़े वाई वन का मान स्टूडेंट दो है, ये भी दो रख देते हैं बटे में एम प्लस एन दो प्लस दो है स्टूडेंट, तो दो प्लस दो रख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स कामा वाई इज इक्वल ये हो जाएगा दो दो ये चार, और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये भी चार हो जाएगा, तो यहाँ पे चार हो जाएगा बटे में दो दो जोड़ेंगे चार हो जाएगा कामा आठ दुना सोलह हो जाएगा स्टूडेंट, सोलह प्लस यहाँ पर दो दुना चार हो जाएगा बटे दो दो चार हो जाएगा स्टूडेंट, चार रख देते हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एक्स कामा वाई इज इक्वल चार में से चार घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो बटे चार, उसके बाद कामा सोलह चार बीस, बीस बटे चार हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको काटेंगे पाँच चौके बीस, चार पंचे बीस यहाँ कट जाएगा और इसमें जीरो से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स कामा वाई इज इक्वल स्टूडेंट ये जीरो कामा यहाँ पर पाँच आ गया, तो यहाँ पर जो क्यू बिंदु का निर्देशांक आया स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका जीरो कामा पाँच, तो यहाँ पर यही इसका हल हो जाता है। अब हम लोग का लास्ट जो बाकी स्टूडेंट यहाँ पर आर का निर्देशांक, तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। तो अब हम लोग क्यू का निकालते हैं, फार्मूला हमने लिख लिया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आर आर का निकालते हैं, सॉरी आर बिंदु का निर्देशांक निकालना है, हमने फार्मूला को लिख लिया है, अब हमें केवल मान ला करके रखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुपात का मान यहाँ से रखा जाएगा यम और एन, अनुपात को इसी प्रकार मान लीजिएगा, आर का निकाल रहे हैं तो अनुपात का मान यहाँ से रखेंगे। चलिए स्टूडेंट तो एक्स कामा वाई बराबर में यम का मान स्टूडेंट तीन है तो तीन गुड़े, उसके बाद एक्स टू का मान दो है प्लस एन का मान स्टूडेंट यहाँ पर आपका एक है, एक मिनट एक है, तो एक गुड़े एक्स वन का मान स्टूडेंट आपका जो है माइनस दो है तो माइनस दो, उसके बाद बटे में एम प्लस एन है तो थ्री प्लस वन कामा स्टूडेंट यम का मान आपका तीन है तो तीन गुड़े वाई टू का मान स्टूडेंट आपका जो है वाई टू का मान आठ है तो आठ रखेंगे प्लस एन का मान स्टूडेंट जो है एक है तो वन गुड़े वाई वन का मान स्टूडेंट दो है तो दो रख देते हैं बटे में यम प्लस एन, तो यम प्लस एन का मान थ्री प्लस वन हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आप लोग देखिएगा कितना आएगा, तो एक्स का मा वाई इज इक्वल स्टूडेंट ये हो जाएगा तीन दोना छः, उसके बाद यहाँ पर माइनस दो का गुणा एक में होगा तो माइनस दो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा बटे में तीन एक चार है तो चार हो जाएगा कामा आठ त्रिक चौबीस हो जाएगा, चौबीस प्लस दो एक अन्य दो हो जाएगा स्टूडेंट बटे में तीन एक चार है तो चार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स कामा वाई बराबर स्टूडेंट जो आएगा छः में से चार दो घटाएंगे तो चार बटे चार कामा चौबीस और दो छब्बीस हो जाएगा, छब्बीस बटे चार हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे दो और यहाँ पर आ जाएगा तेरह, तो एक्स कामा वाई इज इक्वल स्टूडेंट आपका जो निर्देशांक आएगा वो यहाँ पर आएगा वन कामा और यह आ जाएगा तेरह बटे दो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको दे देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग कर सकते हो। ये रहा स्टूडेंट इस प्रश्न का हल, और इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या आपका 12, इसमें कहा गया है बिंदु माइनस तीन कामा पी बिंदु पाँच कामा माइनस चार और दो कामा माइनस तीन को मिलाने जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, और पी का मान आपको पी का अनुपात मान भी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अनुपात तो दिया गया नहीं है, तो जब अनुपात ज्ञात करना होता तो वहाँ पर अनुपात मान लिया जाता है,
तो मैंने अनुपात के अनुपाते एक मान लिया है इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें ला करके जो है फार्मूला विभाजन सूत्र का लगाएंगे और मान को ला करके रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू, और ये आपका यक्स कामा वाई की वैल्यू हो जाती है, यक्स कामा वाई की वैल्यू हो जाती है। अब हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो पता है आप लोग को विभाजन का सूत्र एक्स कामा वाई इज इक्वल होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये होता है फार्मूला। अब इसमें मान को ला करके रखेंगे, तो यक्स की जगह पे माइनस तीन है तो माइनस तीन कामा स्टूडेंट वाई की जगह पे पी है तो पी रख देते हैं। उसके बाद बराबर में ला करके इसमें मान को रखते हैं, तो यम अनुपात यन, इस ये हमारा यम का मान हो गया, ये हमारा यन का मान हो गया। अब इसमें मान को ला करके रखेंगे तो यम का मान स्टूडेंट के है, तो के गुड़े उसके बाद एक्स टू का मान स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा माइनस दो है तो माइनस दो ला करके रखते हैं। उसके बाद प्लस एन का मान स्टूडेंट एक है, एक है तो एक रखते हैं, तो वन गुड़े एक्स वन का मान स्टूडेंट माइनस पाँच है तो माइनस पाँच कर देता हूँ। उसके बाद में बटे में स्टूडेंट यम प्लस एन है, तो यानी यम प्लस एन की जगह पे के प्लस वन हो जाएगा, के प्लस वन। उसके बाद कामा लगाएंगे, यम का मान स्टूडेंट के है तो के रखेंगे, के गुड़े वाई टू का मान स्टूडेंट यहाँ पर वाई टू का मान तीन है तो तीन रखते हैं, प्लस एन, एन का मान स्टूडेंट एक है तो यहाँ पर एक रखते हैं, गुड़े में वाई वन का मान स्टूडेंट आपका माइनस चार है तो माइनस चार रख देते हैं। उसके बाद बटे में यम प्लस एन, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा के प्लस वन। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा माइनस तीन कामा पी बराबर में स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस टू के, माइनस टू के। उसके बाद माइनस वन का गुणा पाँच में करेंगे, माइनस पाँच का गुणा वन में करेंगे तो यहाँ पर माइनस पाँच हो जाएगा, बटे में के प्लस वन है, के प्लस वन कामा स्टूडेंट ये हो जाएगा थ्री के, यहाँ पर थ्री के। उसके बाद माइनस चार का गुणा एक में होगा तो प्लस माइनस माइनस चार हो जाएगा, बटे में के प्लस वन है तो के प्लस वन हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तुलना करके एक एक का हल कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे। अब हम लोग चलिए मान निकाल लेते हैं, तो माइनस थ्री, माइनस थ्री बराबर में स्टूडेंट आपका माइनस टू के, माइनस पाँच बटे में के प्लस वन है, के प्लस वन कर देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं बटा एक करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये माइनस है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ हो जाएगा माइनस टू के माइनस पाँच, उसके बाद बराबर माइनस तीन का गुणा इसमें होगा तो माइनस थ्री के, और फिर यहाँ पर माइनस तीन हो जाएगा, माइनस तीन का गुणा प्लस वन में होगा। अब आपको करना यहाँ पर क्या है, माइनस टू को इधर लाना है, थ्री को इधर लाना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका, एक मिनट ऐसा कीजिए आप सभी लोग, थ्री के को इधर लाइए तो इधर माइनस टू के, और ये इधर आएगा तो प्लस थ्री के हो जाएगा, बराबर इधर माइनस तीन है, पाँच को इधर लाए तो प्लस पाँच हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस थ्री के में से माइनस टू के जाएगा तो के बचेगा, और प्लस पाँच में से स्टूडेंट माइनस तीन जाएगा तो प्लस का दो बचेगा इस प्रकार से। और इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा एक आप कर सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी कुछ नहीं तो बटा एक कर सकते हैं, तो के अनुपाते एक, यानी के अनुपाते एक बराबर स्टूडेंट अनुपात में जो आया है वो आ गया दो अनुपाते एक। तो अनुपात का मान आप सभी का निकल गया स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे, ये मान कैसे आया इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अनुपात तो आपका निकल गया, ये आपका अनुपात है स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है, पी का मान निकालना है, तो के का मान स्टूडेंट आया है दो। अब इस के मान को ला करके आप इसमें रख दीजिए, के का मान आया है दो तो इस दो का मान ला करके इसमें रख दीजिए, जो अभी आपका दूसरा लटर में बाकी है। पी बराबर माइनस थ्री के माइनस चार, एक मिनट, प्लस थ्री के स्टूडेंट माइनस चार, बटे में के प्लस वन है तो के प्लस वन। तो पी बराबर स्टूडेंट के का मान कितना आया दो, वो तो बटा एक हमने कर दिया, बटा एक का मतलब कुछ नहीं, तो तीन गुड़े के का मान स्टूडेंट दो आया है, माइनस चार बटे में के का मान दो आया है तो दो प्लस एक, तो पी बराबर ये हो जाएगा तीन दोना छः माइनस चार बटे में दो एक तीन हो जाएगा। तो पी बराबर छः में से चार घटाएंगे तो दो आ जाएगा, बटे में स्टूडेंट तीन है तो तीन हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है।
आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का संपूर्ण हल। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट 13 में कहा गया है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। स्टूडेंट इसका निर्देशांक ज्ञात करना है पी का, तो मैंने पी का निर्देशांक x, y मान लिया है और ए और बी का जो निर्देशांक क्रमशः दिया गया है मैंने उसको एक रेखाखंड बनाकर उस पर स्थित कर लिया है। अब हमें स्टूडेंट रेखाखंड निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कुछ वैल्यू दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसका सहारा लेते हैं। दिया गया है ए पी बराबर स्टूडेंट दिया गया है आपका 3/7 और ब्रेक इंटू ए बी दिया गया है। इस प्रकार से ए बी दिया गया है। अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, गौर से समझिएगा। ए पी बराबर देखिए स्टूडेंट, हम ए बी रेखाखंड को देखिएगा, ये जो ए बी रेखाखंड है मैं इसको लिख सकता हूँ 3/7 और ब्रैकेट में स्टूडेंट ए पी प्लस पी बी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी रेखाखंड ये इन दोनों का आधा आधा है, तो मैं इसको योग करके लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, इसका इससे तिरछा गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 7 ए पी बराबर में इधर इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 ए पी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 3 ए पी प्लस 3 पी बी। इस प्रकार से स्टूडेंट इधर आपका आ जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, 3 ए पी को इधर ले आना है, तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी ये हो जाएगा और इधर आपका 3 पी बी बचेगा, आपका इधर 3 पी बी बचेगा। अब 7 ए पी में से 3 ए पी को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4 ए पी। 4 ए पी बराबर स्टूडेंट इधर आ जाएगा आपका 3 पी बी, इधर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 पी बी। इतना वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग इतनी बात समझ रहे होंगे हमारी। अब आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ए पी को देखिए, अगर हम पी बी को इधर लाते हैं तो हमारा ये बटे में हो जाएगा और 4 को इधर भेजते तो ये इधर बटे में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए पी बटे पी बी बराबर इधर हो जाएगा 3/4, 4 इधर आएगा बटे में हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहें स्टूडेंट तो हम लिख सकते हैं ए पी अनुपात पी बी बराबर 3/4। तो स्टूडेंट ये हमारा इस प्रकार से अनुपात निकल चुका है। आशा करते हैं आप सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, हमें जो है पी का जो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो अनुपात तो हमारा पी का आ ही चुका है। कितना आ गया अनुपात, 3/4, यानी अनुपात को यम और यन से लिखा जाता है, तो ये यम हो गया, ये यन हो गया। अब आपको फार्मूला लगा देना है स्टूडेंट, तो फार्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, x, y बराबर पी बिंदु का निर्देशांक। तो क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है x, y बराबर, मैं लिख देता हूँ फार्मूला, तो स्टूडेंट ये होता है फार्मूला। अब मैं इस फार्मूले में ला करके मान को रख देता हूँ, तो अब हमें यम और एन का मान तो पता है 3 और 4, बट लेकिन x1, y1 का मान नहीं पता है, x2, y2 का, तो यहाँ से ला करके रखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। तो ध्यानपूर्वक रखिएगा, मान को ला करके अब हम लोग इसमें मान रखते हैं, तो x, y = यम का मान स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 3 है, 3 × x2 का मान मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ से बैक करके इसे देख लिया कीजिएगा, तो x2 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस n का मान 4 है तो 4 × x1 का मान -2 है स्टूडेंट, तो -2 बटे में m + n यानी 3+4 हो जाएगा, तो मैंने 3+4 रख दिया। उसके बाद m का मान स्टूडेंट 3 है तो 3 × y2 का मान स्टूडेंट -4 है तो -4। उसके बाद प्लस n का मान स्टूडेंट n का मान 4 है
चार गुड़े वाई वन का मान स्टूडेंट आपका माइनस दो है, माइनस दो रख देता हूँ, बट एम प्लस एन यानी यहाँ पर तीन प्लस चार है तो तीन प्लस चार लिख देता हूँ। अब इसको हम सिस्टमेटिक कैलकुलेट करते हैं तो एक्स कामा वाई इज इक्वल हमें मिलेगा तीन दुना छः और ये चार दुना ये आठ, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, आठ बटे चार तीन सात हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा चार तीन है बारह, माइनस का बारह, माइनस चार दुना आठ हो जाएगा, माइनस का आठ चार तीन जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक्स कामा वाई इज इक्वल आठ में से छः घटाएंगे तो माइनस का दो बटे सात हो जाएगा। देखिए माइनस आठ में से छः घटाएंगे तो माइनस दो बटे सात कामा माइनस बारह माइनस आठ माइनस सोलह हो जाएगा, माइनस चौबीस हो जाएगा, एक मिनट, बारह आठ बीस, माइनस बीस हो जाएगा, माइनस बीस बटे सात हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो जाता है इस प्रश्न का हल, आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारा बिंदु पी का निर्देशांक, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने स्टूडेंट इसको हल किया है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 15, इसमें कहा गया है यदि ए कामा बी बिंदु ये 10 कामा माइनस 6 और बी के कामा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तथा ए माइनस टू बी बराबर 18 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ए बी और ए बी की दूरी भी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यानी प्रश्न बहुत ही आसान है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, निर्देशांक को लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक 10 कामा माइनस 6 है, मैंने 10 कामा माइनस 6 लिख लिया और बी का के कामा 4 है तो के कामा 4 मैंने लिख लिया स्टूडेंट यहाँ पर। उसके बाद पी का निर्देशांक आपका ए कामा बी है, ए कामा बी है क्योंकि ए कामा बी कह रहा है इस दोनों का मध्य बिंदु है, यहाँ पर देख लीजिए मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट आपको करना क्या क्या है, देखिए किसका किसका मान निकालना है, मध्य बिंदु है तो के का मान ज्ञात कीजिए और ए बी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट दूरी कब ज्ञात होगा, जब के का मान ज्ञात होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ए कामा बी जो है ए बी का मध्य बिंदु है तो हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला लगा करके मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि ए कामा बी जो है स्टूडेंट रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इस प्रकार से ये इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है ए कामा बी बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू, ये होता है बटे में दो होता है स्टूडेंट, कामा वाई वन प्लस वाई टू बटे दो होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ए है एक्स वन, ये है वाई वन, ये है एक्स टू, ये है वाई टू। अब इस मान को ला करके रखते हैं तो ए कामा बी बराबर एक्स वन का मान स्टूडेंट 10 है, 10 प्लस एक्स टू का मान स्टूडेंट के है तो के रख देता हूँ, बटे में दो है तो दो। उसके बाद स्टूडेंट इधर लगते हैं तो वाई वन का मान माइनस छः है तो माइनस छः, उसके बाद स्टूडेंट प्लस वाई टू का मान, वाई टू का मान चार है, चार बटे में दो है तो दो कर दीजिएगा। उसके बाद ए कामा बी बराबर स्टूडेंट ये हमारा दस के, दस प्लस के बटे में दो है और इसमें माइनस छः, माइनस छः में से चार जाएगा तो माइनस दो बटे दो हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है आपका जो वैल्यू आएगा वो ए कामा बी बराबर आएगा दस प्लस के बटे में दो, उसके बाद स्टूडेंट कामा यहाँ पर माइनस वन आ गया। अब आपको करना क्या है, तुलना कर देना है, तो इसकी तुलना इससे करना है, उसके बाद इसकी तुलना इससे करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बी बराबर माइनस वन आपको प्राप्त हो जाएगा, बी का मान माइनस वन प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब स्टूडेंट आपको ए का मान भी पता होना चाहिए
क्योंकि जब तक ए का मान नहीं पता होगा तब तक आपका के का मान नहीं पता होगा। तो ए का मान कैसे पता करेंगे, यहाँ पर आपका एक वैल्यू दिया है ए माइनस टू बी बराबर 18, तो यहाँ से इससे पता करेंगे। तो ए माइनस टू बी बराबर में 18 दिया है, उसके बाद यहाँ पर रखते हैं ए, उसके बाद माइनस दो गुणे बी का मान माइनस वन आया है, तो माइनस वन बराबर इधर 18 है तो 18, तो ए माइनस माइनस वन का गुणा माइनस दो में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस दो हो जाएगा बराबर 18 है तो 18, उसके बाद दो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 18 माइनस दो, उसके बाद ए बराबर 18 में से दो घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ए का मान 16 आ गया आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ए का मान आपको पता हो गया स्टूडेंट, तो अब आप के का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए के का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो आपने तुलना किया है देखिए, तो ये बी बराबर माइनस वन प्राप्त हुआ बट ए बराबर, आप इसको तुलना करेंगे तो ए बराबर यहाँ पर 10 प्लस के बटे में दो है तो दो रखेंगे। अब इसमें मान ला करके रख दीजिए, तो ए का मान स्टूडेंट आपका 16 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 16 बराबर में 10 प्लस के है बटे में दो। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस के बराबर में 16 दूना 32 हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद के बराबर 10 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 32 माइनस 10, उसके बाद के बराबर 32 में से 10 घटाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा। तो के का मान आ गया स्टूडेंट 22। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो अभी बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट मान जो आया है ये आपका के का मान आ चुका है 22, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं 22, के की जगह पे 22 और कामा 4 है तो 4। अब स्टूडेंट आपको ए और बी के बीच दूरी भी निकालना है, तो अब ए और बी के बीच दूरी निकालना है तो आप दूरी का सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। तो दूरी का फार्मूला आप सभी लोग को पता ही है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो मैंने यहाँ पर निर्देशांक को लिख लिया है स्टूडेंट, देखिए जैसे हमें ए का इतना दिया गया था, बी का 22.4 आ गया है, तो मैंने इसी प्रकार यहाँ पर लिख लिया है और उसके बाद मान भी लिया गया है और फार्मूला भी हमने लिख लिया है। अब इसमें मान ला करके रखते हैं तो ए बी बराबर स्टूडेंट यक्स टू का मान देखिए 22 है तो 22 माइनस यक्स वन का मान 10 है तो 10 इसका स्क्वायर है, प्लस वाई टू का मान 4 है माइनस वाई वन का मान स्टूडेंट माइनस 6 है तो यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिएगा तो ए बी बराबर स्टूडेंट आ जाएगा 22 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 6 और 4 जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट एक मिनट 22 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 12 आएगा स्टूडेंट 12, तो ए बी बराबर अंडर रूट में 12 बराबर 144 आपको पता ही होगा स्टूडेंट, प्लस 10 दहीम 100 तो 100 हो जाएगा। तो ए बी बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में 144 100 इसको जोड़ेंगे तो 244 हो जाएगा 244, उसके बाद ए बी बराबर स्टूडेंट 244 का वर्गमूल हो सकता है 2 अंडर रूट में 61, तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए स्टूडेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और फ्री में इसका लाभ उठा सकें स्टूडेंट। और मैं आप सभी को स्टूडेंट बता दूं कि इस समय वीडियो रेगुलर नहीं आ पाती है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको कोर्स जो है दिसंबर से पहले फिनिश हो जाएगा पूरा। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।